मेरा शॉर्ट जो है ना वहाँ से यहाँ लेना तुम, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ से आऊँगी और थोड़ा टर्न करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आई हुई हूँ एक बंगलो में। आज संडे है और मैं जहाँ आई हुई हूँ वहाँ मैं दो दिन रुकने वाली हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं रील्स वीडियो शूट करने के लिए मैं आई हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था कि जहाँ मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि जिस तरह से मैं शूट करती हूँ उसके लिए प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये फाइनली ये जो जगह है ये ढूंढ के निकाला है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, क्यों मैं ये विला बुक किया है। तो लेट मी शो यू द बंगलो। तो ये है लिविंग रूम और ये रहे जेडी, यहाँ बैठा हुआ है, और ये सोफ़ा है। और पहले मैं आप लोगों को छोटा सा, देखिए ये किचन है दिया हुआ है, आपको अगर खाना पकाना है या बाहर से खाना लाके गर्म करना है वैसा सिस्टम दिया है, फ्रिज है। एंड दिस इज़ माई बेडरूम, पूरा सामान देखिए बिखरा हुआ है। मैं आते साथ साथ पहले ही शुरू कर जाती हूँ। तो ये बेडरूम है, इसमें एक्चुअली थ्री बेडरूम दिया हुआ है, ये एक है और दिस इज द थर्ड वन। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेन इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मुझे ये बंगलो पसंद आया है, वो है यहाँ की पूल। लुक एट दिस पूल। अब समझ सकते हैं ना इस पूल के साथ मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अत्याचार करने वाली हूँ पूल के साथ। ओके, अभी मैं व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, यहाँ का व्यू ये है। स्पेशली मैं व्यू देख के नहीं ली, मैंने स्पेशली पूल देख के मैंने ये विला बुक किया है। मैंने सिंपल है, सोवर है, आप यहाँ पर पार्टीज वगैरह करने के लिए, वीकेंड्स मनाने के लिए आप आ सकते हैं फैमिली के साथ। क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने दिखाया है कि इसमें थ्री बेडरूम हॉल है, फोर बेडरूम हॉल है, डिपेंड्स कि आप लोग फैमिली मेंबर कितने हैं वो हिसाब से आप लोग बुक करके आ सकते हैं। हुआ है सीढ़ी वगैरह सब दिया हुआ है। जिससे ऊपर जा सकते हैं। अभी बहुत कड़क धूप है, मैं अभी शूट नहीं करूँगी, तो मैं बेडरूम में जो शूट हो वो पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सन थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर मैं पूल में, 12 बजे के बाद सन जो है मिडिल में आ जाएगा तब मैं कोशिश करूँगी कि पूल के अंदर जाऊँ। क्योंकि अभी अगर इस वक्त अगर गई तो मैं पूरी टैन होने वाली हूँ, तो मैं जो होना नहीं चाहती। तो चलते सीधा अंदर और फिर मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। वेट फॉर इट। आप देख सकते हैं कि फाइनली मैंने स्विम सूट पहन लिया है, अब चलते हैं सीधा पूल में। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ऑलरेडी स्विमिंग सूट पहन के रेडी हो गई हूँ, और ये हर रोज़ शायद मैं इसका इस्तेमाल कुछ पानी के अंदर करूँ। लेट्स सी, देखते हैं अभी। अंदर हूँ, यहाँ पर डाइव नहीं कर सकती मैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही कम है, तो वो रिस्क मैं नहीं लूँगी। अगर आप लोग भी इस तरह का अगर कोई शूट वूट करने का प्लान करें तो डोंट टेक अ रिस्क, जब पानी बहुत डीप रहे तभी आप लोग डाइव वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैं किसी अगर होटल में जा रही हूँ, डीप पूल में हूँ तभी कर सकती हूँ। तो मैं अभी मेरा रील्स बना लूँ। तो मेरा शॉर्ट जो है ना वहाँ से यहाँ लेना तुम, हाँ,
क्योंकि मैं वहाँ पे आऊँगी और थोड़ा टर्न करूँगी, पानी के अंदर से टर्न करूँगी, राइट? ठीक है, तो वैसे लेते हैं शॉट। सो गाइस, अभी मैं शूट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का छोटा सा ब्लॉग है, वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय एंड लव यू।